Hi there. Give us a few moments so we can find the right person from our fire care team to help you out. Also, we may record this call as it helps us get better at assisting you. If you are calling to report any fraudulent activity, please press 1. If you have questions about our referral program, please press 2. For any other queries, please continue to stay on hold. Our fire care colleagues will be with you soon. मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे मैसेज आया हुआ है, जैसे ही मैं फाई की एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ ना जी, उस पर एक मैसेज आया हुआ है, अर्जेंट पीरियोडिक केवाईसी अपडेशन यस पेंडिंग। ऐसा क्यों लिखा हुआ है? चेक करता हूँ सर। जी जी, आपका केवाईसी सर जो है ना अपडेट नहीं हुआ होगा, अपडेट नहीं किया होगा आपने, इसलिए आया होगा। ठीक है, तो मैं चेक करता हूँ। आपका पूरा नाम बताइए जी। आपकी बात संजय कुमार माथुर से हो रही है सर। मैं अभी चेक करता हूँ आपके अकाउंट की डिटेल्स। जी 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 सर, तो जैसे कि देख पा रहा हूँ ना मैं, आपका जो केवाईसी है ना, ये अप टू डेट नहीं है। अप टू डेट इसलिए आपको केवाईसी अपडेट करने बोला है। सर अपडेट करना है आपको, आपका मोबाइल नंबर है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है ना आपका। हाँ हाँ, उससे आपको एक SMS भेजना है। भेज दिया है सर मैंने वो मैसेज। आई थिंक कुछ तो भी लिखना पड़ता है ना, एक मिनट। KYC लिखना पड़ता है। हाँ, KYC लिखना पड़ता है। हाँ, KYCY और 9008915353 इस नंबर पे भेजना है ना। ठीक है सर, आपने जी सर ये कब भेजा आपने? 2 दिन हो गए होंगे शायद सर। जी सर, तो चिंता मत कीजिएगा, वो अपडेट हो जाएगा। 2 दिन हो गए ना आपने भेज दिया, सेंड भी हो गया ना मैसेज आपकी तरफ। हाँ हाँ, सेंड हो गया। तो सर ये अपडेट हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन सर ऐसा मतलब अचानक KYC तो ऑलरेडी मेरा वीडियो KYC हो चुका है, साथ ही साथ जो ऑनलाइन आधार KYC हो तो वो भी हो चुका है। वो तो KYC सर अपने बैंक के साथ करवाया है, ये आपको अपडेट करने होता है, यानी अपग्रेड करना पड़ता है। अगर आपका कुछ चेंज होता है, नंबर चेंज होता है, फोन नंबर चेंज होता है, एड्रेस चेंज होता है, आधार कार्ड पे आपको कुछ चेंज होता है, तो वो चेक करने के लिए कुछ चेंजेस हुए है क्या, तो आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से KYCY भेजना पड़ता है हर 2 से 3 साल में। अच्छा, आपका एक्सपायर दिखाता है ना KYC, आपको अपडेट करना पड़ता है इसका। सर बाकी बैंकों में तो ऐसा होता नहीं है, मतलब आप लोग ऐसा कैसे कर रहे हैं? ये सर बैंक के तरफ से होता ही नहीं सर, ये तो RBI के तरफ से इंटीमेशन आता है आपको। तो बाकी ऑलरेडी मेरे पास 2-3 और बैंक है सर, लेकिन ऐसा कुछ तो भी मतलब अपडेट करने के लिए ऐसा कुछ तो कहा नहीं है। 2023 से मैंडेटरी है, अभी तक आपका वहाँ दूसरे बैंक से एक्सपायर हुआ नहीं होगा, इसलिए आपको आया नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे भी आ जाएगा। अच्छा, मतलब आप ये बैंक से ऑलरेडी करते हो तो आपको ऑलरेडी अपडेट हो जाता है वहाँ पे, तो आपको दूसरे बैंक से करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर यहाँ पे आप नहीं करते तो आपके दूसरे बैंक से भी आ ही जाता है, क्योंकि जो KYC है वो बैंक के तरफ से नहीं होता है, ये RBI के तरफ से होता है, और जितने भी इंडिया में बैंक है सारे RBI के अंदर। हाँ बात सही है सर, लेकिन जी सर, तो ये बैंक से नहीं तो दूसरे बैंक से सर आ ही जाता है आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कितने साल बताया आपने? हर 2 साल में? जी सर। ओके ओके, अभी मई 20,000 ये जो है ना, ये रूल जो निकला है RBI का, ये 23 मई 2023 से निकला है। अच्छा, 23 से निकला है। आपका करेक्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट है, ये हर साल चेक होता है 2023। सर मैसेज करने से फिर कैसे आपको पता चल जाता है? ये तो मोबाइल नंबर मतलब चेंज हुआ है कि नहीं ये पता चलेगा ना, बाकी आधार जैसे कि आपने कहा आधार नंबर चेंज हुआ है। नहीं, हमें नहीं पता चलता है, ना ही RBI को पता चलता है, ये आप टू चेक करने के लिए अभी भी यही है क्या, जब आप उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से वो ईमेल भेजते हो, KYCY भेजते हो, तो ये कंफर्मेशन देते हो आपकी, वो फोन आप ही के पास है, आपके KYC डिटेल जो है अपडेटेड है, ये आप कंफर्मेशन देते हो, ये बैंक को भी नहीं पता चलता है, आधार कार्ड में कुछ चेंजेस हुआ है या फिर कुछ हुआ है तो उस केस में हम लोग ऐसा करते हैं। वो भी चेक होते हैं ना सर, वेरीफाई होते हैं, अगर आधार कार्ड अगर आपने नंबर चेंज किया है या फिर जो रजिस्टर मोबाइल आपका जो लिंक है नंबर, वो नंबर अगर चेंज हो गया, अगर आप जो बैंक का जो नंबर है रजिस्टर्ड के अंदर भेज रहे हो, तो आपको बताया दिया जाता है कि आपका जो रजिस्टर लिंक नंबर है ये KYC के लिए। अच्छा सर देखिए, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है तभी तो मैं यूज़ कर पा रहा हूँ, अगर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेगा ही नहीं तो उस मोबाइल में तो एप्लीकेशन जो है ओपन होता ही नहीं है, तो फिर
नहीं नहीं सर, एप्लीकेशन की बात ही नहीं कर रहा हूँ। हाँ एप्लीकेशन के लिए तो आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ही लगता है, अच्छा क्योंकि अच्छा जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है ना, वही मोबाइल नंबर आपका केवाईसी से भी अपडेटेड है या नहीं, ये भी चेक होता है अच्छा उसके अच्छा लिए। अच्छा क्या अगर आप नंबर चेंज भी करना चाहते हो, अगर आप ये वाला नंबर फाइल एप्लीकेशन का नंबर चेंज करना चाहते हो, आप कर सकते हो नंबर के लिए। अच्छा लेकिन जब आप डिवाइस अपडेट करना पड़ता है ना आपको, जो आपका लिंक है केवाईसी के साथ नंबर, उसी से आपको एसएमएस करना पड़ता है। अच्छा अच्छा मतलब जो आधार कार्ड से मेरा नंबर लिंक है। यस सर, उससे केवाईसी होता है आपका। अच्छा तो रजिस्टर तो मैंने कर दिया सर, और लेकिन अभी तक। केवाईसी ये सर, ये आप जब एसएमएस भेजते हो ना, केवाईसी वाई यानी नो योर इन्फॉर्मेशन का, केवाईसी वाई का मीनिंग यस होता है। अच्छा अच्छा यस आप कन्फर्मेशन दे रहे हो कि अपडेटेड है सर। अच्छा, तो मतलब ये कैसे ये हट नहीं रहा है, 2 दिन से ज़्यादा हो गया सर आई थिंक, तो अभी तक हट नहीं रहा है, और सही हो नहीं रहा है। इसको टाइम लगता है थोड़ा, 5 to 7 working days में हट जाएगा ये। अच्छा ऑटोमेटिक हट जाएगा, ऑफ कोर्स हट जाएगा। कुछ कंफर्मेशन नहीं मिलेगा सर कि हाँ आपका जो है मिलेगा ना केवाईसी सर, अपडेट आपको हो चुका है? कंफर्मेशन ईमेल भी आ जाएगा, अच्छा ईमेल पे आ आपको जाएगा, कंफर्मेशन ईमेल भी आ जाएगा इसमें। एक आपने सप्ताह तो लग सही जाएगा ना भेजा सर? है ना, अगर नहीं भेजा होगा ना सही से आपने, कैपिटल में भेजा है ना आपने सारा ये हाँ हाँ केवाईसी कैपिटल में ही वाई भेजा है, कैपिटल में ही। जी सर, तो कोई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, अपडेट हो जाएगा। और आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से भेजा है तो कोई इशू नहीं है। सर वो डबल इन्वर्टेड कॉमा जो है ऊपर का, वो भी मैंने डाला है और अंदर में KYC Y लिखा है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं ना, या फिर सिंपली नहीं सर, KYC Y लिखना था? नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं, इन्वर्टेड कॉमा भी अगर डालोगे कोई इशू नहीं। ओके ओके ओके, बस यही पूछने के लिए कॉल किया था सर। यस सर, कोई दिक्कत ओके नहीं है। ओके ठीक है, मैं यहाँ पे भी अब ये कर देता हूँ, नोट्स में मेंशन कर देता हूँ कि आपने कंप्लीट कर दिया है, तो नेक्स्ट टाइम अगर आप कांटेक्ट करोगे तो यहाँ पे टीम को भी पता चल जाएगा कि ऑलरेडी आपका KYC अपडेटेड है। ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत सहायता करी हमें। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। इसके अलावा और कोई जानकारी दे सकता हूँ मैं आपको इस कॉल पे? नहीं सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, टाइम में कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे सर, जी आपका भी दिन शुभ रहे। जी सर।